नमस्कार। राग परिचय में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। हमने एक दो हफ्ते का ब्रेक लिया हुआ था, वापिस आए हैं थोड़े से बदलाव के साथ। सबसे बड़ा बदलाव तो मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि इसको हिंदी में करना चाहिए, तो मैंने सोचा थोड़ी सी कोशिश कर ही लेता हूँ। जहाँ ज़रूरत होगी इंग्लिश में सबटाइटल्स ऐड कर देंगे। दूसरा बदलाव यह है कि थोड़े से अलग अंदाज में हम अभी रागों को देखेंगे। पुरानी हिंदी गानों का रेफरेंस लेके, एक एक गाने को लेकर के जो किसी राग पे आधारित हो, उस गाने के सहारे हम उस राग की पहचान करेंगे। मैं पुराने इसलिए कह रहा हूँ कि रागों पे आधारित अगर सही सही गाने ढूंढने हो तो अपने को कई साल पीछे जाना पड़ता है, 60s में 70s में। इसलिए मैंने पुराने कहा। शायद नए गाने भी होंगे, जब मिलेंगे अच्छे गाने तो ज़रूर लेंगे। तो इस नए अंदाज में हम अपना कल्याण का जो सफ़र था, हम लोग चले थे कल्याण फैमिली के साथ में। काफ़ी सारे राग हमने देख लिए, पूरिया कल्याण हो गया, शुद्ध कल्याण हो गया, यमन कल्याण हो गया। और फिर हमने कहा था कि कल्याण रागांग वाले काफ़ी सारे राग हैं जिनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। उसमें आते हैं हमीर, केदार, कामोद, नंद, गौड़ सारंग है उसी में। हम आज शुरुआत करते हैं राग नंद से। नंद जिसको आनंदी कल्याण भी कहा जाता है, बहुत ही मीठा राग है। और नंद का जिक्र करते ही एक गाना सामने उभर आता है, जी हाँ, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मदन मोहन जी का कंपोजिशन मेरा साया के लिए। तो देखते हैं, गाने से शुरुआत करते हैं और फिर राग नंद की पहचान कर लेते हैं।
बहुत ही मीठा गाना सही सही नंद से मिलता है। नंद कल्याण फैमिली का राग है। कल्याण फैमिली के जितने भी राग हैं वो सब पूर्वांग में सा से पा तक के जगह में अलग अलग हो जाते हैं, बहुतों का उत्तरांग जो है वो समान है। सो नंद भी है, उसका पूर्वांग देखा जाए तो परेसा, ये परेसा जो है वो एकदम कल्याण का दर्शक है। हमने देखा था कि कल्याण की संगति जो है, जो मेन संगति है वो परे संगति है। परे सा सा ग ग, सा से ग ऋषभ को छोड़ दिया, सा ग ग म म, और म पे जाके मध्यम पे जाके जो ठहराव है वो एकदम नंद को आगे ले आता है। म ग प, ये ग प कनेक्शन, म ग प कनेक्शन एकदम टिपिकल नंद का। फिर आगे चलते हैं, पंचम पे ठहराव होगा, गम धप रेसा, बहुत टिपिकल है ये नंद में, गम धप रेसा गम। गम पद म प गम, यहाँ जाके तीव्र मध्यम आ रहा है, दोनों मध्यम का प्रयोग हो रहा है, यहाँ जाके पहली बार तीव्र मध्यम आ रहा है। तीव्र मध्यम है ये, तो दोनों मध्यम बहुत ही सुंदर तरीके से आ रहे हैं। और फिर जहां ऊपर जा रहे हैं हम निषाद की तरफ, ये नंद के सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता। गम पद नी प पद म प गम गम ध प रे सा गम, और फिर षड्ज की तरफ जाते हैं, तार षड्ज की तरफ। दो तीन तरीके हैं, ये बिहाग जैसे हो गया,
वापिस नंद को। और एक तरीका, कई बार ये भी देखा गया है थोड़ा सी मांड की छाया पड़ जाती है, और वापिस आके तो अब पूरी मूवमेंट अगर देखी जाए नंद की, सो ये रहा नंद। अगले हफ्ते हम और एक दूसरे बहुत मीठे कल्याण फैमिली के राग के बारे में बात करेंगे, राग गौड सारंग। और ये मेरा हिंदी में संवाद कैसे लगा जरूर बताइएगा।